हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब भी ठीक होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने वैसे टाइटल पढ़ा होगा कि नारियल तेल में बस एक चीज मिलाने से हम अपने जो है सफेद बालों को जो है काला कैसे कर सकते हैं। जो हमारी जो चादर की तरह जो बाल हो चुके हैं सफेद चादर की तरह, आप उसे जो है बिल्कुल निजात पा सकते हैं कुछ ही चुटकियों में, कुछ ही चीजों से मिलाने से। और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ के साथ जो है अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, ट्रांसपेरेंट एक बाउल लिया है जिसमें मैं इस रेमेडी को बनाने वाली हूँ। आपको कोई भी प्लास्टिक की चीज इसके अंदर नहीं लेनी है, ना आपको कोई लोहे की कटोरी या कोई भी स्टील की कटोरी, कुछ ऐसा नहीं लेना है आपको, कोई भी तामझाम नहीं लेना है। यहाँ मैं जो है कांच का बाउल ले रही हूँ क्योंकि ये रेमेडी हमने बना के जो है इंस्टेंट आप इसे लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ जटामासी पाउडर। तो मैं आपको थोड़ा सा पास कर देती हूँ, देख सकते हैं आप, जटामासी पाउडर है, ये इस टाइप का है, देख सकते हैं इस तरीके का। मैं जटामासी का पाउडर जो है इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। आप इसके अंदर जो है 1 से 1.5 चम्मच जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आप जो है अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ मेरे बाल जो है काफी ज्यादा लॉन्ग है तो आप लोगों के लिए ये हेयर ग्रोथ की टिप्स भी काफी अच्छी रहेगी। इस तरीके से जो है मैं इसमें मिला रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो 1 से 2 बड़े चम्मच लेंगे। और इसमें जो है मैंने इनको दोनों को 2 चम्मच मैंने इसका ले लिया है। साथ के साथ हमने जो है यहाँ पर आंवला पाउडर लेना है। आंवला पाउडर जो होता है विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे कि हमारे बाल जो है नेचुरल तरीके से काले हो जाएंगे। और इन सब का जो है परचेज लिंक जो है मैं अमेजोन से मैंने परचेज किया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए, मैंने इसके अंदर जो है इन दोनों को ऐड कर दिया, आंवला पाउडर को। और हाँ, लास्ट चीज जो मैं आप लोग साथ जो शेयर करने वाली वो है काला कत्था, जैसे मैं आप लोग साथ शेयर करती थी, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, देख सकते हैं। पर यहाँ मेरे पास जो है ब्राउन कलर का कत्थे का पाउडर है, तो ये भी आपको जो हर्बल टॉनिक कंपनी का है और ये आप जो आसानी से जो अमेजोन में से परचेज करते काफी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है और कम बजट में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का ये है ब्राउन कत्था है, इससे भी जो आप इसे इंस्टेंट लगा के आप अपने बालों को काला कर सकते हैं। तो इसका कलर भी मैं आपको दिखाती हूँ, काफी अच्छा कलर है। यहाँ मैं सिर्फ इसको जो 1 ही चम्मच के करीब लूंगी, थोड़ा सा इसका देखिए कण देख सकते हैं आप लोग, काफी अच्छा जो है इसका मिक्सचर होगा। इससे क्या होगा, आपके बाल जो लाल भूरे ना होके आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बस ये सारी चीजों को लेना है। और अब आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर पैराशूट नारियल तेल लिया है, दिखा देती हूँ मैं आपको इस तरीके का। अब आपको इसके अंदर नारियल तेल ऐड करना है, ना कि आपने पानी ऐड करना है। यहाँ मैं जो नारियल तेल 2 से 3-4 चम्मच ले सकती हूँ, अगर आपके छोटे बाल है तो आप वो भी ले सकते थे। यहाँ मैं जो है नारियल तेल से ही इसे ऐड कर रही हूँ और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आपको, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नारियल तेल इसमें मैंने कम डाला तो आप और डाल सकते हैं। अगर आपके पास नारियल तेल नहीं है तो आप इसकी जगह जो है सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नारियल तेल में बस आप एक चीज जो हमने इसमें ऐड की है वो है ब्राउन कत्था। ये आप लोगों के बालों को इतना अच्छा जो स्मूथ कर देगा, इतना अच्छा कलर कर देगा, काफी अच्छा जो टेक्सचर आ जाएगा। और आपको लगाने का प्रोसेस क्या है, आप इसे इंस्टेंट लगा सकते हैं और आधा घंटा अपने बालों पे रखिएगा और रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा। बस इसको मेहंदी जैसे मेहंदी लगाते हैं, बस उसी तरीके से आपको इसको लगाना होगा। काफी लोग जो है अपनी जो मेहंदी के अंदर जो हल्दी भी डालते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, बालों की जड़ों पे जाके आपके ड्राइनेस को ठीक करता है, फिजी हेयर्स को ठीक करता है, साथ के साथ आपके बालों की हेयर की ग्रोथ काफी अच्छी कर देता है। तो मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच ले ली है। अब देखिए, इसे जो आप इंस्टेंट लगा सकते हैं और लगाने का तरीका बहुत ही ईजी है। अब आप लोग देख सकते हैं ये रेमेडी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। बस इसी तरीके से इसका प्रोसेस है, बनाने का तरीका इसे अच्छे से मिक्स जरूर कर लीजिएगा 2 से 4 मिनट के लिए, इसको जरा सा रेस्ट दे दीजिएगा, ये जो है सारा आपस में जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देख सकते हैं इसका कलर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें जो कत्था डाला था वो ब्राउन कलर का डाला था, पर इसका कलर देख सकते हैं ब्लैकिश कलर का आ चुका है। तो इस तरीके का मैं देख सकते हैं कितना प्यारा एक कलर आ गया। एक मैंने आपको रेड स्पून में बना के दिखाया है, तो इसका कलर जो है बहुत ज्यादा फाइन आ चुका है। इस तरीके से आपको इसको बनाना है, लगाना है। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।